हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त मनीष शेखर आ गया हूं और जानकारी से भरे कॉस्ट सेविंग वीडियो के साथ। तो ये वीडियो एक कंप्लीट पैकेज होगा। इसमें आपको डीटीएस के बारे में हर जानकारी मिलेगी, ट्राई के क्या क्या मेन रूल्स हैं। जब तक आप रूल्स को नहीं जानोगे तब तक आप कॉस्ट सेविंग नहीं कर पाओगे। कौन से रिचार्ज करने चाहिए, कौन से प्लान मुझे चूज करने चाहिए ताकि मेरी मैक्सिमम कॉस्ट सेविंग हो सके। मैं आपको एक प्लान चूज करके भी बताने वाला हूं कि ये प्लान आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है। तो जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ट्राई ने एक रूल बना के रखा है। सबसे पहले जानते हैं एनसीएफ के बारे में, नेटवर्क कैपेसिटी भी। नेटवर्क कैपेसिटी भी क्या होता है? तो नेटवर्क कैपेसिटी भी समझ लो एक रेंटल होता है जो कि सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि एयरटेल हो गया, टाटा हो गया, डिश टीवी होगा, जो आपसे लेते हैं। तो कैसे लेते हैं वो? अगर आप 200 चैनल तक लेते हैं तो आपको 153.40 रुपीज देने पड़ेंगे, मतलब 130 रुपीज प्लस 18% जीएसटी, जो कि 153.40 रुपीज होते हैं, वो आपको देने पड़ेंगे। अगर आप 200 से ज्यादा चैनल देखना चाहते हो तो आपको 160 प्लस 18% जीएसटी, जो कि 188 रुपीज समथिंग पैसे होते हैं, एनसीएफ चार्ज के रूप में देने पड़ेंगे। और अगर आपने मल्टी कनेक्शन लेके रखा हुआ है तो आपको 52 रुपीज प्लस 18% जीएसटी एडिशनल देने पड़ेंगे सेकेंड कनेक्शन के लिए। और ऐसे थर्ड कनेक्शन भी लेकर रखा है तो उसके लिए भी सिमिलर टाइप से आपको 52 रुपीज एड करते जाना है। और अगर आप 200 से भी ज्यादा चैनल देखने चाहते हो सेकेंड कनेक्शन में तो आपको 64 रुपीज प्लस 18% जीएसटी, जो कि अराउंड 75 रुपीज के आसपास होता है, आपको देने पड़ेंगे। ये 200 चैनल्स है वो एचडी चैनल्स है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन चैनल्स। अगर आप एक एचडी चैनल लेते हो तो उसमें 2 एचडी चैनल का वैल्यू होता है, मतलब एक एचडी चैनल लोगे तो 2 चैनल्स आपके चले जाएंगे। और ऐसे आपने 100 चैनल्स एचडी ले लिए तो 200 चैनल का जो आपको वैल्यू है जिसके लिए आप एनसीएफ दे रहे हो 153.40 रुपीज वो खत्म हो जाएंगे। तो ये कंपल्सरी है, आपको देने ही देने हैं। अभी आपको क्या करना है, इसमें भी बचाना है। रूल्स ऐसा है कि अगर सर्विस प्रोवाइडर चाहे तो एनसीएफ को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन किस में रिड्यूस कर सकता है? अलाकाटे में रिड्यूस नहीं कर सकता, बुके पैक में रिड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन वो बेस पैक के साथ वो एनसीएफ चार्जेस को रिड्यूस कर सकता है। तो ये अलाकाटे, बुके और बेस पैक क्या होते हैं, चलो इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। चलो मान लो आपने एक होटल में एक रूम बुक किया है और रूम बुक किया तो आपको एक रेंट देना पड़ेगा, पर डे का रेंट, रहने का रेंट, तो हो गया रेंटल जो आप सर्विस प्रोवाइडर को देते हो। अब बात करते हैं वहां पे जाने के बाद कुछ खाओगे, ठीक है, तो हो सकता है उसके अलग प्री डिफाइंड कुछ लंच या डिनर डिफाइंड हो, ठीक है, तो वो हो गया आपका बेस बैग जो सर्विस प्रोवाइडर होटल वाले खुद आपके लिए डिफाइन करके रखे कि आपको इसी में से खाना है। अगर आप वो लेते हो तो सस्ता पड़ेगा आपको, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं मेन्यू में से चूज करूं खुद से कि मुझे रोटी लेना है, मुझे पनीर का सब्जी लेना है, दाल लेना है, अलग अलग आप चूज करोगे तो उसके लिए सबके लिए अलग अलग रेट फिक्स है, उसके लिए आपको अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे जो कि आपका जो होटल वाला दे रहा है उससे महंगा पड़ेगा, लेकिन आपके चॉइस का रहेगा। तो ये हो गया आपका आला काटे कि आपने अलग 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 आइटम्स को चूज किए अपने अनुसार। अब बात करते हैं बुके पैक के, आप समझ लो बुके पैक कैसे समझो, कॉम्बो, मतलब रोटी प्लस पनीर का एक कॉम्बो बना दिया कि भैया 3 रोटी और 1 पनीर, पालक पनीर साथ में मिलेगा, इस सस्ते में आपको दूंगा मैं, जो रोटी के भाव और पनीर के भाव से सस्ता रहेगा। अभी इसके लिए भी ट्राई ने रूल बना के रखा है कि आला काटे जितने भी चैनल्स है वो सारे आपके आला काटे में कवर्ड होने चाहिए, मतलब सारे चैनल्स आला काटे में आपको होने चाहिए। दूसरा है बुके पैक के लिए भी रूल बना के रखा है कि कोई भी सर्विस प्रोवाइडर तो हो गए एयरटेल, अभी बोलते हैं ब्रॉडकास्टर, ब्रॉडकास्टर क्या होते हैं, जी, सोनी, ईटीवी, कलर्स, टीवी टुडे, ये सारे ब्रॉडकास्टर्स हैं, तो इनके खुद के बुके पैक्स भी होते हैं। तो उनके लिए क्या रूल बना के रखा है कि आप जो भी बुके पैक बना रहे हो, मतलब कॉम्बो बना रहे हो जिसमें आप मल्टीपल चैनल्स डालने वाले हो, उसमें आप एमआरपी के ऊपर कम से कम 15% और ज्यादा से ज्यादा 45% तक डिस्काउंट दे सकते हो, उससे ज्यादा आप डिस्काउंट नहीं दे सकते। उसके अलावा सर्विस प्रोवाइडर आपके लिए बेस पैक भी बना के लाता है, तो बेस पैक में आप एनसीएफ चार्जेस बचा सकते हो क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर बहुत सारे चैनल अवेलेबल कराएगा और
एनसीएफ में भी आपको डिस्काउंट देगा, मतलब 150 थ्रू बीएस 40 पैसे के जगह आपको कभी 150 देने पड़ सकते, 90 भी देने पड़ सकते, 70 भी देने पड़ सकते और उससे भी कम देने पड़ सकते। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, एक सही बेस प्लान चूज करना पड़ेगा ताकि मुझे कम से कम एनसीएफ देने पड़े और मुझे मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। एयरटेल थैंक्स ऐप के अंदर आप अपना डीटीएस अकाउंट खोल लीजिए और उसके अंदर में जाके मैनेज पैक के ऊपर आपको क्लिक करना है। मैनेज पैक के अंदर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे बेस पैक दिख जाएंगे, सारे के सारे आपको मंथली मिलेंगे, एक महीने का बेस पैक दिखेगा। इसके अंदर आपको कुछ HD दिखेंगे, कुछ नॉन HD भी दिखेंगे। तो आप देखोगे कि HD जब भी मैं देखो हिंदी इंटरटेनमेंट HD 1 month मैं अगर सब्सक्राइब करना चाहता हूँ, सिर्फ इसी को सब्सक्राइब करके देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ, नेक्स्ट करके देखता हूँ, फिर नेक्स्ट। तो आप देख सकते हो अभी 329 rupees मेरे चार्जेस लगेंगे मंथली रेंटल और उसके अंदर मुझे 150 rupees का NCF देना पड़ रहा है, मतलब 153 rupees 40 paise होता है, उसमें सिर्फ आपको 3 rupees का डिस्काउंट मिल रहा है। अभी कैंसिल करते हैं इसको, अभी दूसरे ऑप्शन पे देख, क्योंकि मुझे NCF में ही बचाना है तो मुझे सही बेस पैक चूज करना पड़ेगा। तो मैं HD था, अभी नॉन HD देखिए, अभी नॉन HD वाला ऑप्शन चूज करता हूँ और नेक्स्ट करके देखता हूँ। इसमें आपको 259 rupees ही लग रहा है और NCF के रूप में आपको देने पड़े सिर्फ 89 rupees, मतलब सीधा सीधी आपको 61 rupees का सेविंग, लेकिन आपको HD चैनल मिलेंगे, HD चैनल नहीं मिलेंगे। वैसे ही एक और ऑप्शन चूज करके दिखा, सिमिलर केस है HD भी, आप इसमें भी गुजराती में भी चूज करोगे तो फिर आपको वैसा ही NCF देना पड़ रहा है। अभी अगर हायर प्लान लेते हो 389 per month का, देखिए मेगा 1 month HD, तो इसमें आप इसके अंदर आपको 140 rupees और रेंटल आपको 529 लग रहा है, जो कि काफी ज्यादा है। तो आपको ये चूज नहीं करना, आपको बेस पैक के रूप में जब भी चूज करना है। तो अभी चेक, अभी एक हिंदी फैमिली किड्स एक महीने का जो पैक है उस 223 rupees उसको देख, अभी आप देख सकते हो इसके अंदर में NCF चार्जेस 96 जो कि 15 rupees ज्यादा है पहले से। तो एक काम करता हूं मैं, तो क्योंकि आपको यहां पे किड्स के चैनल नहीं मिलने वाले, गुजराती इंटरटेनमेंट लेवल में आपको NCF सबसे कम लगेगा और बुके पैक में एयरटेल में ही चाहते हैं। एयरटेल आपको ऑलराउंडर प्लान देता है, जैसे कि आपको रीजनल भी देगा, मूवीज का अलग देगा, किड्स का अलग देगा, इन्फॉर्मेनमेंट का अलग देगा, तो उसमें से चूज कर लेते। तो अभी देख सकते हो आप घर में बच्चे हैं तो एयरटेल किड्स मिनी आप चूज कर सकते हो, अगर घर में बच्चे नहीं है तो इसकी जरूरत नहीं है आपको। अगर आप मूवीज देखना पसंद करते हो तो एयरटेल हिंदी इंटरनेट मिनी HD या एयरटेल हिंदी मूवीज मिनी HD, बेस्ट अपॉन योर चॉइस, आप चैनल देख सकते हैं और उसमें चूज कर सकते हैं। तो मैं एयरटेल हिंदी मूवीज मिनी HD चूज कर लेता हूँ, घर में मेरे कोई बच्चे नहीं तो इसलिए मैं मूवीज वाला चूज कर लिया। और आला कार्टे के अंदर में लेट से आपको स्पोर्ट्स चैनल देखने थे तो स्पोर्ट्स चैनल के अंदर मैं स्टार स्पोर्ट हिंदी चूज कर लेता हूँ, क्योंकि इसके अंदर में जो भी इंडिया के मैच रहेंगे वो दिखते ही हैं, स्टार स्पोर्ट 1 या स्टार स्पोर्ट 2 HD जिसमें भी दिखे, लेकिन इसके अंदर तो दिखेंगे ही, तो इसको इसमें चूज करना बेनिफिशियल है। इसलिए डन करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। तो आपको 354 rupees मिल रहे हैं जिसके अंदर आपको बहुत सारे मूवीज भी देख चैनल्स भी मिलेंगे और हिंदी इंटरटेनमेंट के चैनल्स भी मिलेंगे, जैसे स्टार, जी, सोनी, ये सारे चैनल्स आपको कलर्स वगैरह आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं। और NCF के रूप में आपको सिर्फ 85 rupees ही देने, तो आपके बहुत सारे कॉस्ट सेविंग। तो इस तरीके से आप सावधानी से अगर आप पैक चूज करते हो तो काफी सारा कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं। बहुत सारे यूजर्स के क्वेरी थे कि मुझे कितने का रिचार्ज करना चाहिए, मेरा जो प्लान है 240 rupees का है या 500 rupees का है, तो मुझे कितने का रिचार्ज करना चाहिए, 500 का रिचार्ज करना चाहिए क्या? तो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपके पास मंथली बेस प्लान है, कोई बुके पैड एक्ट करके रखा हुआ है और आपने कोई अला कार्टे लेके रखा हुआ है या सिर्फ बेस प्लान ही लेके रखा हुआ है, आपके अगर बैलेंस है तो आप 50 rupees का मिनिमम रिचार्ज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे पैसा डिडक्ट होता है, डेली बेसिस पर डिडक्ट होता है। लेट से आपका 300 rupees का प्लान है, ठीक है, और 300 rupees का प्लान मतलब एक महीने का आपको 300 rupees देने हैं, तो आपको कैसे पैसा डिडक्ट हो? आपने मान लो 200 rupees का रिचार्ज करके रखा और 200 बैलेंस है आपके अकाउंट में, तो 300 divided by 30 मतलब 10 rupees हर दिन आपका 10-10 rupees कटने वाला है, तो 200 rupees आज है, उसके नेक्स्ट डे उसका बैलेंस रह जाएगा 190 rupees, फिर नेक्स्ट डे 180 rupees, फिर नेक्स्ट डे 170 rupees, ऐसे आपको 10-10 rupees कटेगा। मतलब आपको रिचार्ज ऐसा नहीं है कि आपको 300 rupees कराना, आप 50 rupees का भी रिचार्ज करा सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन सस्पेंड होने से पहले आपको रिचार्ज कराना है। एक बार सस्पेंड हो गया मतलब कनेक्शन बंद हो गया, मतलब आपने रिचार्ज नहीं कराया और आपका एक मैसेज आता है कि आपके पास कोई वैलिड रिचार्ज नहीं है, तो इन दैट केस मतलब आपके कनेक्शन अगर सस्पेंड हो जाता है तो कम से कम आपको 200 rupees का रिचार्ज करना पड़ेगा, और जिसमें से 25 rupees रिस्टोरेशन फी, मतलब कि आपने कनेक्शन बंद हो गया था उसको चालू कराने के लिए आपको 25 rupees माइनस हो जाएगा, मतलब बैलेंस तो आपको 175 rupees ही बचेगा। तो आप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं कि कितने का मुझे रिचार्ज करना चाहिए। मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करें, मेरा मोबाइल नंबर खो गया है, अभी मैं उसको क्या करूं, मुझे अपडेट करना है मोबाइल नंबर, तो उसके लिए आप
आपको अपने मोबाइल में एयरटेल थैंक्स ऐप ओपन करना है, फिर सर्विसेज पर क्लिक करना है, फिर जो भी TTS में आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए, फिर अपने मोबाइल को थोड़ा नीचे की ओर स्लाइड कीजिए, वहाँ पे आपको अपडेट अकाउंट करके ऑप्शन मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको आपके अकाउंट के डिटेल दिख जाएंगे, आपको प्राइमरी रजिस्टर्ड टेलीफोन नंबर पर जाके अपना नया वाला मोबाइल नंबर डाल देना है जिसको आप रजिस्टर करना चाहते हो, फिर जाके सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपका प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा और 15 मिनट्स के अंदर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा। दोस्तों, लोगों की बहुत सारी क्वेरी होती है, भाई बहुत सारे क्वेरीज होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन उनको कस्टमर केयर का नंबर पता नहीं रहता है। तो कस्टमर केयर का नंबर क्या है? अगर मेरे पास एयरटेल का सिम है तो कौन सा कस्टमर केयर का नंबर, अगर एयरटेल का सिम नहीं है तो कौन सा कस्टमर केयर का नंबर आएगा? सबसे पहले बात करते हैं एयरटेल DTH के बारे में। तो आप देख सकते हो टोल फ्री नंबर्स 1800-103-606 पे आप किसी भी मोबाइल से इस पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपका एयरटेल का सिम है तो आप 198 पे कॉल करके कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। ऑल इंडिया नंबर्स भी आप देख सकते हो यहाँ पे दिए हुए, हर जोन के नंबर्स यहाँ पे दिए हुए, आप उस पे कॉल करके कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। और साथ में अगर आप स्टेट वाइज अगर डायरेक्टली DTH पे ही बात करना चाहते हैं तो स्टेट वाइज नंबर दिए हुए, आप उस पे जाके कॉल कर सकते हैं और कस्टमर केयर से डायरेक्टली बात कर। अगर आप नोडल्स ऑफिसर को भी लिखना चाहते हैं तो ये आपके फ़ोन नंबर और उसके ईमेल आईडी है, उसको आप लिख सकते हैं। अगर कुछ आपको एरर आ रहे हैं तो उसके भी यहाँ पे ट्रबल शूट कैसे करना उसके भी रिजोल्यूशन यहाँ पे लिखे हुए आप देख सकते हैं। सिमिलरली टाटा प्ले में भी टोल फ्री नंबर 1800-208-6633 उस पर आप कॉल कर सकते हो किसी भी सिम से। ऑल इंडिया नंबर्स भी इसमें आप देख सकते हो बहुत सारे दिए हुए हैं, इस पर भी आप कॉल करके कस्टमर केयर से बात कर सकते हो। अब बात करते हैं डिश टीवी में अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग नंबर दिए हुए हैं, बहुत सारे टोल फ्री नंबर भी हैं और चार्जेबल नंबर्स भी हैं, मल्टीपल ऑप्शन है आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आप जाके कॉल करके अपना जो भी प्रॉब्लम उसको रिजोल्व कर सकते हैं। तो ये सारे लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में यहीं तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और ऐसे ही जानकारी से भरे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।